एक छोटी सी घटना से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक रात एक चोर किसी राजमहल में प्रवेश हुआ। उसका इरादा चोरी का था और वहां उसने राजा की कुछ बातें चुपके से सुनी। राजा अपनी रानी से कह रहा था कि कल सुबह गंगा तट पर जो साधु तपस्या कर रहे हैं उनमें से किसी एक के साथ उनकी जो कन्या है उसका विवाह कर देंगे। उस चोर ने ये बातें चुपके से सुनी और उसके मन में संकल्प आया कि क्यों ना मैं भी कल सुबह गंगा तट पर जाकर बैठ जाऊं, साधु का वेश धारण कर। और ऐसे ही हुआ। दूसरे दिन गंगा तट पर जो बहुत सारे साधु महात्मा योगी सन्यासी और तपस्वी बैठे थे, ध्यान मग्न, उनके बीच जाकर यह चोर बैठ गया। वैसे ही वस्त्र उसने भी धारण कर ले जैसे कि उन साधुओं ने किए थे। राजा के सिपाही आए और वो सारे सिपाही एक एक साधु के पास जा जाकर कहने लगे कि क्या आप हमारी कन्या से विवाह करोगे। परंतु वो सारे तपस्वी वैरागी थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो सैनिक इस युवक चोर के पास पहुंचे, जो ध्यान मग्न होकर बैठा था, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, वो भी चुप्पी साधे हुए था। परंतु बीच बीच में आंख जरूर खोल के देखता था, ये लोग क्या सोचते होंगे, ये लोग क्या कहते होंगे। सिपाही लौट गए और राजा से कहने लगे कि कोई भी साधु तैयार नहीं हुआ है, परंतु हाँ एक युवा सन्यासी जरूर है, शायद वो तैयार हो सकता है। राजा सोचता है कि क्यों ना मैं खुद जाऊं। और दूसरे दिन राजा अपनी संपूर्ण चतुरंगी सेना को लेकर गंगा तट पर पहुंचता है और उस युवक सन्यासी के पास जाता है, उससे अनुनय विनय करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है, भीख मांगने लगता है, कहने लगता है कि हे योगी, हे तपस्वी, एक आप ही हो जो योग्य हो और जो मेरी कन्या के साथ विवाह कर सकते हो। सन्यासी फिर भी अपनी आंखें बंद किए हुए, सन्यासी कहो या चोर कहो, उसने तो ये सब लालच में आकर किया था, ये वेश धारण करना। परंतु जब अब वो ध्यान लगाकर बैठा है और उसके सामने उस राज्य का सम्राट नतमस्तक है, मनोभाव परिवर्तन हो रहा है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उसके मन में उसे लगता है, जब मैं झूठ मूठ का साधु बन जाता हूं तो सैनिक तो क्या, यहां का सम्राट भी मेरे सामने झुकता है। यदि यदि क्या,
यदि मैं सच्चा सच्चा साधु बन जाऊं तो फिर बात ही क्या। और इस घटना के बाद विवाह का विचार उसके मन से निकल जाता है और एक तीव्र वैराग उत्पन्न होता है इस जगत के प्रति और एक अभिप्सा एक इच्छा जागृत होती है, क्यों ना मैं ऐसा एक श्रेष्ठ साधु तपस्वी बन जाऊं। तो एक चोर जब एक बनावटी साधु बनता है तो उसके सामने संसार झुकता है। इस संसार में यदि कहीं कोई नाटक हो रहा है, कहीं कोई रामलीला हो रही है, यदि वहां कोई राम बन जाता है और कृष्ण बन जाता है और लक्ष्मी नारायण बन जाते, या फिर कोई फिल्म का दृश्य या फिर कोई सीरियल कोई धारावाहिक, उसमें जो जो लोगों ने देवताओं के किरदार अदा किए, समाज की दृष्टि में वो सभी महान हो जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इतने महान हो, कितने, केवल अब नहीं परंतु भविष्य में भी कितने महान हो। दो चीजों के सामने संसार नमन करता है। कौन कौन से वो दो चीजें हैं, कौन कौन सी वो दो बातें हैं? एक तो तुम्हारे चित्र, भक्ति में द्वापर से तुम्हारे जड़ चित्रों की क्या होती है, पूजा होती है, और तुम चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो। वो जो जड़ चित्र है उनमें अब भी दिव्यता है और अब भी महानता है, वो है जड़, नॉन लिविंग इमेजेस। उसके आगे संसार झुक जाता है, उसके आगे संसार नतमस्तक हो जाता है। जरूर उनमें ऐसा कुछ पाता होगा जो उनमें नहीं है, ऐसी पवित्रता, ऐसी दिव्यता, ऐसी महानता, ऐसी ग्रेटनेस, ऐसी वो झलक पवित्रता की उन जड़ चित्रों में है। वहां संसार नमन करता है और तुम तो चैतन्य में है। और दूसरा उदाहरण दिया बाबा ने कौन सा, अगर कोई बनावटी देवता बनता है तो जब तक वह किरदार वो निभा रहा है, जानते हैं सभी कि वो साधारण आत्मा है, फिर भी उसे अपना इष्ट समझ लेते हैं तब तक के लिए। तो नाम और रूप, हम इस संसार की ऐसी आत्माएं हैं कि जो दिव्यता और जो पवित्रता हम अब धारण करते हैं उसकी जन जन तक पूजा होती है। वाइब्रेशंस के रूप में हमारे जड़ चित्रों में वो रह जाती है। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है, बाबा क्या देख रहे हैं आज, क्या देख रहे हैं? अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे, परमात्म पालना के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संसार की आत्माएं भी कहती है कि हमें परमात्मा पाल रहा है, परंतु तुम थोड़ी सी विशेष आत्माएं। कैसी आत्माएं हो? थोड़ी सी विशेष आत्माएं, प्रैक्टिकल में पल रहे हो। पालना, पालना शब्द का एक अर्थ वो पालना भी होता है जिसमें बच्चे को रखा जाता है। पालना करना, हमारी पालना कौन कर रहा है, हमारी परवरिश कौन कर रहा है, हमारा भरण पोषण सस्टेनेंस कहां से मिल रहा है? स्वयं भगवान से।
तो कितनी नशे वाली ये बात है। सब के सब बैठे हैं सभा में और सब किससे दृष्टि ले रहे हैं? कल शाम की अव्यक्त वाणी किससे दृष्टि ले रहे हैं? स्वयं बाप दादा से दृष्टि ले रहे हैं। तो सभी अभी अभी संपूर्ण अलर्ट होके बैठेंगे और एक दृश्य अपने सामने इमर्ज करेंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, ये सभा कैसी सभा है और हम कितने भाग्यशाली थे कल कि उस सभा में हम थे। एक सभा और एक जादूगर, एक दिलाराम और दिल कितने? अनेक। दिल वाले कितने? अनेक। पर दिल वाला दिलाराम एक। एक सभा, ऐसी अलौकिक सभा के हम साक्षी थे, ऐसी अलौकिक सभा में हम उपस्थित थे। कितना बड़ा न ये हमारा भाग्य है। तो अलर्ट होके बैठेंगे और अपनी आंखों के सामने एक दृश्य इमर्ज करेंगे। डायमंड हॉल में भगवान बैठा है, सारा हॉल भरा है इस संसार की सर्व महान आत्माओं से, परमात्म पालना के अधिकारी आत्माओं से, और मैं आत्मा बाप दादा से दृष्टि ले रहा हूं। कैसा भाग्य है इस वसुंधरा का, इस युग का, इस समय का। इस संगम का, इस सभा का, स्वयं जगत नियंता दिलाराम स्वयं अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बैठे हैं। मैं देख रहा हूं इस सभा को, चारों ओर एक गहन सन्नाटा है। संसार की महानतम आत्माएं यह परमात्म मिलन सभी के दिल में एक ही समाया हुआ है, एक ही गीत, एक ही कविता, एक ही संगीत। हर दिल उसकी यादों में खोया है। भृकुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा
देख रही हूं उसको। वह जो निर्बंधन है देख रही हूं उसको, अपने बच्चों के प्यार के बंधन में बंधते हुए। उसकी शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। अनंत प्रेम लिए हुए अनंत शक्तियां उस दृष्टि से मुझ आत्मा में समा रही है। मन का ये दर्पण मन की ये स्लेट स्वच्छ हो रही है। इस भूमंडल पर चहोर उसकी दृष्टि घूम रही है। इस दृश्य को मैं अपने हृदय की गहराई में समा रहा हूं। इस तरह समा गया है यह दृश्य, इस तरह समा गए हैं ये दो शब्द, मेरा बाबा। कोई निकालना चाहे तो भी निकाल ना सके। इसी दृश्य को लेकर पुनः मैं आत्मा इस देह के भान में प्रवेश करती हूं। ओम शांति।